Namaskar everyone. Namaskar. And so I think you all will be comfortable in English, right? Yes. We will use different languages. We will use English, Nepali, Hindi, Marathi, every language. But let's start with the English. So namaskar everyone. So now I have a workshop. Hamara paas engineering workshop hai hamare papa ke. तो जब हम छोट बच्चा छे ना तो हम साइंस के बहुत दीवाना अभी भी हम साइंस के बहुत दीवाना छे हमारे लगे साइंस मतलब प्यार है साइंस मतलब मोहब्बत फॉर मी साइंस इज एवरीथिंग राइट सो व्हेन आई वाज अ यंग किड आई वाज डूइंग वेरी मच क्रेजी एक्सपेरिमेंट क्रेजीएस्ट ऑफ क्रेजी आई वुड लाइक टू शेयर सम थॉट विथ यू मेरा बहन लाइक योर सिस्टर्स यू आर लाइक माई सिस्टर्स है ना सपोज ही पिंकी सपोज या सो एनीवन एवरीवन इज पिंकी फॉर मी पूजा फॉर मी रागनी फॉर मी बिकॉज हर एक चेहरे में मैं मुझे अपना बहन ही याद आता है तो हुआ क्या ना मैं ये बहुत ये खुरापाती आइडिया है तो मैं सेवन क्लास में था वही दिन हमारे सबकी पढ़ाई मिले दैट डे आई गॉट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रो मैगनेट ओके इज द मार्कर नो या इट इज हियर सो इट इज द टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रो मैगनेट Now, what do you mean by electromagnet? Electromagnet means when you pass electricity through the coil. I have already published one video on my YouTube channel. That is the father of electricity, Michael Faraday. Okay. So now it was his invention, and I was the craziest guy. मैं बहुत crazy. Crazy का मतलब होता है पागल. ठीक है? But थोड़ा soft शब्दों में क्योंकि direct पागल सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. ठीक है? So मैंने ये पढ़ा और उस दिन मैं सोच लिया कि जैसे ही पापा मम्मी घर से निकलेंगे अब ये बहुत जरूरी लाइन है पापा मम्मी अगर घर में है तो अगर मैं ये करूँगा तो उसके साथ मैं भी मारा जाऊँगा तो मैं बस मौके का तलाश में था कि कब मौका मिले और कब पापा मम्मी घर से बाहर जाए तो वो सब घर से बाहर गए ठीक है और मैं पढ़ के आया था कि सर ने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो सामान्य लोहा भी मैग्नेट बन जाएंगे मैं बोला ओ अगर मैं इस लोहे को मैग्नेट में बदल देता हूँ तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूँगा और साइंस एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा तो पैसा भी हो गया और एक्सपेरिमेंट भी हो गया तो मैं झूमने लगा और जैसे ही मौका मिला पापा मम्मी सब्जी के खरीदने के लिए जब सुबह निकले तो मैं और मेरा बहन अब यहाँ पर मेरा बहन का रोल बहुत क्रिटिकल है बिकॉज मेरे चक्कर में वो भी बहुत मार खाई ठीक है तो मैंने उसको बोला कि पिंकी आयरन लेके आओ तो हम लोग एक लोहे लेके आ गए वहाँ पे इसको जैसे बोला गया था साइंस बुक में तो साइंस बुक सबसे पहले आगे में हम लोग साइंस बुक को ऐसे आगे में रख लिए और फिर उसमें जितना लाइन लिखा गया था उस सब को समझ के बिल्कुल वैसा ही किया जो भी हुआ था जो भी वायर था हमारे पास उसको तोड़ फोड़ के और नोच के निकले आया ठीक है जैसे भी तोड़ना पड़े जल्दी क्योंकि पापा हमें दो घंटे के अंदर घर में आ जाएंगे उससे पहले ये समाप्त करना है ये पूरा खेल क्योंकि अगर वो आगे तो वो करने नहीं देंगे तो अभी भी मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूँ पापा मम्मी से दूरी करता हूँ वैसे पापा मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं पर मम्मी तो देखते ही झाड़ू लेके दौड़ती है ठीक है और वो बहुत डरावना होता है तो मैंने देखा और ये सब मैंने सारा एपरेटस हमने जुटा लिया और जब स्विच देने का टाइम आया तो मैं और पिंकी हम लोग एक दूसरे से बोले ओम नमः शिवाय अब देखते हैं क्या होगा और जैसे हम लोग प्लग सपोज ये प्लग है ठीक है फॉर एग्जाम्पल और ये हमारा दो वायर है कॉपर का वायर तो इसमें रोल कर लिए हम लोग ऐसे और जैसे इसमें देने गए और हम लोग बोल रहे हैं अंदर से ओम नमः शिवाय और जैसे हम लोग स्विच ऑन किए और फिर जो हुआ दैट इज द लाइफ माई दैट चेंज माई लाइफ एंड नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया मेरा बहन भी काफी डरी हुई थी क्योंकि मैं इतना था मेरा हाइट इतना था सर को लगा के बोल रहा हूँ तो मैं इतना था और मेरा बहन इतना बहन थोड़ी सी छोटी होती है ना इतना ठीक है हम दोनों इतना इतना थे और फिर वो कर रहे थे तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया आप वहाँ से भी जाके सबको ले सकते हैं वहाँ पे जाके उस डोर के पास से जाके तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया बूम पूरा का पूरा घर का जितना भी वायरिंग था सब जल गया सब खत्म हो गया MCB गिर गया बल्ब फ्यूज हो गया सब खत्म हो गया और तब मैंने सोचा कि आखिर ये हुआ क्यों मेरा साइंस किधर गलत हुआ तब मैं फिर से वही किताब पलटाया
और मैंने सोचा कि इसमें पक्का राइटर का गलती है। पर जब मैं राइटर को कोसने के लिए जब गया और जब उसे ध्यान से देखा तो वहां पे एक लाइन लिखा था, When we pass electricity through that soft iron coal, when we pass DC current। अब ये DC current क्या होता है हमें मालूम ही नहीं था। मुझे लगा करंट का मतलब एसी, डीसी क्या होता है, एसी तो घर में लगाता है ना, वो करंट क्या होता है। पर द एसी करंट एंड डीसी करंट इज वेरी मच डिफरेंट। नाउ दिस इज एसी एंड दिस। अब ये एसी का मतलब वो एसी नहीं, एयर कंडीशनिंग की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। एंड नाउ दिस वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी, or you can say in other words, cell. And now this is from the generator, generator. Okay, now this is the difference. Now what I used there was not this DC current, I used the alternating current. Now this was a solenoid. Now here I used the coil in this way. There was a switch and I did on and it was boom, everything just got blown away. It was just blown away. अभी ये सब तो हो गया ठीक है, पर तब समझ में आया कि अगर अच्छे से किताब पढ़ा होता और मुझे मालूम होता कि डीसी बोला था राइटर ने ना कि एसी, तो शायद मैं वो जो कांड किया था उससे बच पाता। ये कांड तो छोड़ो, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ना वो तो ये तो हमारे कर्म क्षेत्र में था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पार्थ तुम जो कर्म करोगे ना वहां तक ही तुम्हारा अधिकार है, वो कर्म करने के बाद वो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन उसके बाद जो परिणाम हुआ हमारा वो हमारे माता पिता के हाथ में था, ठीक है। और ये बूम तो हुआ, इसके बाद हम लोगों का जो हुआ वो था सकाला का बूम बूम, ठीक है। तो ये बूम हमने किया और उसके बाद जब एक घंटा के बाद जब पापा मम्मी आए सब्जी लेके तो गेट खोले कर, ठीक है, फिर अंदर घुसे और फिर देखे कि पूरा बेड तहस नहस हो चुका है। और मैं बेडरूम में कर रहा था ये सब, मैं अपना मम्मी का बेडरूम में ये सब कर रहा था। और मेरा मम्मी के बेडरूम में मैं बहुत डर के जाता हूँ क्योंकि वो जिधर भी देखती है पहले जो भी मिले चप्पल झाड़ू पहले उसी से पिटाई होता था, अभी भी पिटाई खा के आ रहा हूँ। तो ये बूम और उसके बाद हम लोगों को इंट्रोगेशन रूम में बुलाया गया, डाइनिंग रूम में बुलाया गया। पापा मम्मी बोला ये क्या हुआ, हम लोग काफी डरे हुए थे, कुछ नहीं हुआ, हम लोग साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। बोला या बेटा गुड, वेरी गुड, साइंटिस्ट बनेगा, इधर आ ऐसे बालों को लेके जूते लात के मशीन में डाल के कीमा बना दिया गया। और मेरा बहन का देखो यार, अगर यहाँ पे कोई भाई बहन होगा तो पता होगा कि बहन बच गई। सुनो मेरी बात, बहन मेरी बच गई। और जो सकला का बूम बूम हुआ ना वो एक अकेला मेरा, पहले पापा ने बूम बूम किया, उसके बाद मम्मी ने सकला का बूम बूम किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि लाइफ में अब कभी भी एक्सपेरिमेंट करूंगा ना तो भाई इधर नहीं करूंगा, अब मैं वर्कशॉप में करूंगा। और वहां भी हुआ तो कुछ ऐसा ही हुआ, पर उतना के लिए टाइम नहीं है। अभी आते हैं मुद्दे पे। So, the moral of the story, it was just, मैं बस एक छोटा सा शेयर किया, मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि मैं बस एक चीज बताया कि मैं कितना क्रेज, मेरे साथ वो सब कुछ घटित तभी हो जाता है जब मैं पढ़ता हूँ। सो मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं केवल ये नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, अब वहाँ पे जाके बार बार उन लोगों का भी ले सकते हैं, वैसा जरूरत नहीं है, मैं उसको काट के बार बार उसको ला दूंगा, ठीक है। लेकिन आप ले सकते हैं, सबका फेस ले सकते हैं, ताकि वो सब भी जब वीडियो में जाए तो खुद को देखे जूम करके मैं आया कि नहीं, क्योंकि मैं ऐसा करता था, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता था, ठीक है।
और अभी भी करता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे से मतलब है, कौन क्या कर रहा है हम कभी देखते नहीं है। फोटो भी जब हम साथ में कभी लेते होंगे ना, तो हम देखते हैं कि मैं कैसा आया हूँ, अरे तू हट, क्योंकि मेरा मम्मी बोलती है कि मैं कभी पिक्चर में किसी को नहीं देखता, मैं खुद को देखती हूँ, तो डायरेक्ट बोलती है। तो ये सब फैक्ट है इसमें। तो हाँ, तो मैंने क्यों जॉब रिजाइन किया, डायरेक्ट पा सकते हैं, तो मैं उसको पढ़ाता था और वो काफी अच्छा किया, मुझे बोलते हुए काफी गर्व हो रहा है।